दोस्तों वेलकम वेलकम टू मिशन सिजिल। दोस्तों हर बार की तरह आज भी एक स्पेशल मैथ लेकर आया हूँ जो आपको चौंका देगा। ओके जो आपको चौंका देगा, होप ये दिस मैथ विल मेक यू जीनियस इन दिस पर्टिकुलर पेपर, इन दिस पर्टिकुलर पेपर आई मीन टू से दैट इन पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ मैथ। ओके इन पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ मैथ। सो आप लोगों को पता है कि हमारा दो क्लास है, दो चैनल है, एक मिशन सीजीएल है, एक ड्रीम डब्ल्यूसीएस है। और मिशन सीजीएल में हम हिंदी में समझाते हैं और जो ड्रीम डब्ल्यूसीएस है वो बंगाली में समझाते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उसी में आप शिफ्ट कर लेना, बिकॉज एक दूसरे का लिंक एक दूसरे के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉर्मली रहता है। ओके सर्च करो भी तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। ओके तो हमारा दो चैनल है और आज का पेपर में मेन जो बात करने आया हूँ वो है नो पेपर, नो पेन नो पेपर। ये मौत कैलकुलेशन में हो जाएगा, मुँह पर ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके लिए पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझाने के लिए ओनली पेन पेपर चाहिए होता है, राइट, समझाने के लिए। तो इसमें क्या है, कट ऑफ मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स है, इसका है शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब किसी ने फेल किया और कुछ मार्क्स की वजह से फेल हो गया, ऐसा वाला मैथ जो आपके सीजीएल में आएगा, पीएससी के एग्ज़ाम्स में आएंगे, आरआरबी, एनटीपीटी, एनटीपीसी, क्लर्क, जीडी वगैरह वगैरह, इसके एग्ज़ाम्स में नॉर्मली आता रहता है। सो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है जो नॉर्मली इंग्लिश वर्जन रहता है, और इसमें इंग्लिश वर्जन देने का मतलब है कि आपको अंग्रेज़ी में थोड़ा सा, मतलब एग्ज़ाम के दौरान आपको अंग्रेज़ी में थोड़ा सा वेटेज देगा, मतलब आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर, राइट, एग्ज़ाम के टाइम पर। तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैनल का टैगलाइन आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये है मेन मुद्दा कि अगर आप अगर अपने आप को बिलीव करते हो तो यू कैन डू एनीथिंग। बिकॉज जो लोग आसमान में चढ़ रहे, जो लोग चाँद पे जा रहे, जो लोग महाकाश में भ्रमण के लिए जा रहे हैं वो लोग धरती के लोग हैं। ओके वो लोग बाहर से नहीं आए हैं। अगर वो लोग ऐसा कुछ कर सकता है तो आपके लिए ये तो मामूली बात होनी चाहिए, आपके लिए ये तो मामूली बात होना चाहिए कि कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम में पास करना, राइट। लेकिन उसके लिए आपको तकलीफ़ करना पड़ेगी, हैव टू स्वेट योर ब्लड। ओके आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, यू हैव टू कीप योर सेल्फ, मतलब आपको रात जाग के पढ़ना पड़ेगा। ओके आपको रात जाग के पढ़ना पड़ेगा। सो सक्सेस, देखो सक्सेस ऐसे नहीं मिलता है। ओके सक्सेस ऐसे नहीं मिलता है, सक्सेस के पीछे बहुत मेहनत लगता है। ओके सक्सेस के पीछे बहुत मेहनत लगता है। सो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये बोल के बैठे रहने का मतलब मूर्ख है, ठीक है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। सो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, इसका मेन मकसद है कि आप इसको जिंदगी में अपनाओ और क्या करो, प्रिपरेशन करो, और क्या करो, प्रिपरेशन करो। चलो अगले एग्जाम, मतलब जो हमारा जो मेन मुद्दा है उसी में चले जाते हैं, मैथ के सेक्शन में, राइट। थोड़ी सी डाउन में करना पड़ेगा बिकॉज दिख नहीं रहा है। ओके ओके क्या है पहला वाला मैथ, ये कह रहा है इन ए टेस्ट अनु गॉट 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स, हाउएवर शीतल गॉट 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स फ्रॉम द कट ऑफ मार्क्स, फाइंड द कट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर मेनली कट ऑफ मार्क्स पूछा गया है, तो उसके साथ बाय प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम मार्क्स, मतलब एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन घुमा के दे दे तभी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये जो परसेंटेज है ये दो परसेंटेज को आपको घटाना पड़ेगा। क्या पहला वाला क्या करें, अनु गॉट 25% मार्क्स फेल्ड बाय 50 मार्क्स, यहाँ पर देखिए 35% मार्क्स, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 35 है, 35 है, राइट, और फेल्ड बाय 20। क्यों कम क्यों हो गया, क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा हो गई, यहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा होने के नाते यहाँ पर क्या होगा, कम मार्क्स में फेल हो गया है। अब मैथ में क्या करना है, ये दो परसेंटेज को घटाओ, ठीक है, 35 से 25 गया तो कितना बचा, 10%, और ये दोनों को घटाओ, जैसे कि दोनों फेल है तो बड़ा वाला से छोटा वाला को घटा दो, कितना रहेगा 30, राइट। तो 100% इज इक्वल टू कितना, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया यहाँ पर 300, राइट। अब 300 मैक्सिमम मार्क्स हो गया, वो उसको कितना मिला है अनु को, 25% मार्क्स, और 50 के लिए फेल हो गया, तो 25 मतलब क्या है, 1/4, राइट, 1/4। तो 1/4 कैसे करता है नॉर्मली बिजनेसमैन वाला, इसके हाफ कितना है 150 का हाफ कितना है 75, और 75 के साथ कितना जोड़ना है 50, कितना होगा, 7 5 12,
125 हो गया आपका आंसर, 125 हो गया आपका आंसर। देखो कितना आसान है, हाउ मच इजी, ये कितना आसान है कि ये जो दो परसेंटेज दे रहा है, लेकिन इसके लिए पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, राइट। ये 25% मार्क्स है, फेल बाय 50 मार्क्स, ओके। ये 35% मार्क्स, ये फेल बाय 20 मार्क्स, तो दोनों परसेंट को घटाओ, ओके। घटाने के बाद जैसे दोनों फेल हो गया तो बड़ा वाला से छोटा वाला को घटा कर, देखो ये माउथ कैलकुलेशन में ऐसे होता है, ठीक है। 35 से 25 गया 10 रहा और 50 से 20 गया 30 रहा, तो 10% इज इक्वल टू 30 हो गया, राइट। तो 100% इज इक्वल टू 300 हो गया। ये 25% मतलब क्या है, 1/4 कैसे करेगा, इसका हाफ 150 और उसका हाफ 75, और 75 के साथ 25 जोड़ोगे तो कितना होता है, 125। ये माउथ कैलकुलेशन ऐसे होता है दोस्तों, माउथ कैलकुलेशन ऐसे होता है, ठीक है। चलो पहला मैथ इसलिए हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत होगी, तो हम दूसरे वाले मैथ में जाते हो, और उससे पहले जाने से पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, देखिए 125, ये ऑप्शन में 125, 35 से 25 गया 10% बचा, 50 से 20 गया 30 बचा, तो 10% इज इक्वल टू 30, 100% इज इक्वल टू 300। बाकी तो कैलकुलेशन आपको बता ही दिया है मैंने कि क्या कैलकुलेशन होना है, क्या कैलकुलेशन होना है। दोस्तों ये इतना आसान मैथ है, इतना आसान तरीके से समझाया गया है कि आप चौंक जाओगे, और आई थिंक यू विल बी ज्वेल इन दिस मैथ, यू विल बी ज्वेल इन दिस मैथ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इन अ टेस्ट बाबू गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 45 मार्क्स, हाउअर गीता गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स। तो देखिए दोनों फेल है, यहाँ पर दोनों फेल है, तो परसेंट को तो मतलब एक दूसरे से घटाना पड़ेगा ही, तो एक दूसरे से घटाओगे तो कितना होगा, 10% बचा, 30 से 20 गया तो 10% बच गया, इज इक्वल टू 45 मार्क्स उसने फेल किया, और ये कितना है 15 मार्क्स, तो 15 निकल गया 45 से, तो कितना बचा, 30 बचा। वैसे ही 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, राइट, 300 हो जाएगा। अब 20% मार्क्स मतलब 1/4, 1/5, राइट, 1/5 इंटू 1/5, इससे कटते हो तो कितना होता है, 5, 6, 30, 10, 60 हो गया, और 60 तो यहाँ से मिला और 45 की वजह से वो फेल हो गया, तो कितना हो गया, 105 क्या है, डी ऑप्शन में 105। दोस्तों बहुत ही आसान है, ये परसेंटेज से घटाओ, दोनों फेल है वो तो क्या हो गया, दो बड़ा वाला से छोटा वालों को घटा के ये बराबर हो गया, परसेंटेज 10% इज इक्वल टू 30, 100% 300, ये 20% मतलब 1/5 हो गया 60, और 45 के लिए वो फेल हो गया, तो जोड़ दो कितना हो गया, 105, कितना हो गया, 105। दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, सुपर ट्रिक है, यू विल जस्ट रिमेंबर मी कि ऐसा भी मैथ होता है। देखिए वही है, डी ऑप्शन 105, तो 30 से 20 गया तो 10% बचा, 45 से 15 गया तो 30 बचा, 10% इज इक्वल टू 30, 100% इज इक्वल टू 300, और 300 का 25% और 20% प्लस 45 इज इक्वल टू 105, इज इक्वल टू 105। दोस्तों ये जो है ना, ये जो लिख रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। आई एम राइटिंग बिकॉज आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ दैट आई एम राइटिंग, अदरवाइज आई डोंट नीड टू राइट एट ऑल, अदरवाइज आई डोंट नीड टू राइट एट ऑल, ओके। चलो नेक्स्ट, तीन नंबर के मैथ क्या कह रहे हैं, और इजी है, तीन नंबर के मैथ और इजी है। दोस्तों इन ए टेस्ट जॉय गॉट 16% मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स, हाउ अवर टीना गॉट 30% मार्क्स एंड फेल बाय 12 मार्क्स फ्रॉम द कट ऑफ, फाइंड द कट ऑफ। तो कट ऑफ मार्क्स पूछा है और हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालना पड़ा है, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स हमें चाहिए, वो निकालने के बिना हम ये नहीं कर पाएंगे, राइट। मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलेगा तो हम कट ऑफ नहीं निकाल सकते, ओके। तो देखिए दोनों फेल हो गया, तो ये दोनों परसेंटेज को घटा दो, कितना बचा, 14%, और 40 से 12 गया तो कितना, 28, तो 14% इज इक्वल टू 28, तो 100% कितना हो जाएगा, 200, और 16% कितना हो जाएगा इसका, 32, और 40 जोड़ दो कितना हो गया, 70। देखो ये जो माउंट कैलकुलेटर, छोटा छोटा फिगर क्यों दिया, जिसे कि आपको सुविधा हो समझने में, तो 72 हो गया आपका आंसर, डी ऑप्शन में 72 इज द राइट आंसर। दोस्तों पानी की तरह इजी है मैथ को, अगर जैसे आप पानी की तरह लोगे तो तभी आप समझ पाओगे इसको, ओके। कोई भी चीज़ धरती पर डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है,
लेकिन हम समझते हैं क्या है कठिन है, इसीलिए हम ट्राई नहीं करते हैं, इसलिए हम ट्राई नहीं करते हैं। जैसे हम ट्राई नहीं करते सो वी डोंट ट्राई एंड बिकॉज ऑफ दैट वी फेल। देखिए डी ऑप्शन में 72 इज योर राइट आंसर। 30 से 16 गया 14 और 40 से 12 गया 28, तो 40% इक्वल टू 28, 100% इक्वल टू 200, 200 इंटू 16% प्लस 40 कितना हो गया 72। अब देखिए ये कैसे बोला 200 इंटू 16% मतलब ये दो जीरो निकल गया, 16 दोने कितना हो गया 32 और वो 40 के लिए फेल हो गया, कितना हो गया 72 राइट 72। दोस्तों पानी की तरह इजी है, पानी की तरह इजी है। दोस्तों थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी घर बैठ के। मैं आपको बताऊं कि ऐसे शॉर्टकट ट्रिक जो है ना, आप एक डायरी ले लो और मेरे देखिए करीब 1000 वीडियोज़ हो गए हैं, ओके हर वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स बताए गए, हर वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स बताए गए। सो आप उस क्या करो, हर वीडियो देखो और हर वीडियो देख के क्या करो, शॉर्ट ट्रिक्स लिख लो डायरी पे, जिससे कि वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े। मैं बोल रहा हूँ आपको, बार बार देखोगे तो मेरी फ़ायदा होगा राइट, लेकिन बार बार देखने की जरूरत नहीं है आपको, बार बार खोलना पड़ेगा। और क्या करो, आप नोटबुक में ये लिख लो, आप खाते टाइम भी एक बार रिपीट करके देख सकते हो, रिविशन दे सकते हो राइट। चार नंबर, इन एटीएस सर्वस का 12% मार्क्स एंड फेल बाई 36 मार्क्स, हाउएवर टुम्पा का 24% मार्क्स एंड फेल बाई 12 मार्क्स। तो ये देखिए इससे 12 जो मतलब 24 से 12 निकल गया तो कितना होगा 12% राइट, और ये 36 से 12 निकल गया तो कितना होगा 24, तो 12% इज इक्वल टू 24, 100% इज इक्वल टू अगेन 200 दिखाई दे रहे, इससे इससे दो से कटता है और 100 इज इक्वल टू 200 हो गया राइट। अब 12% मतलब कितना 24 हो गया 24, और कितने के लिए फेल हुआ 36 के लिए, सॉरी 36 के लिए फेल हो गया, तो 6 4 10 3 3 6 कितना हो गया 60, ये ऑप्शन में 60। दोस्तों ये तो आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ा, मैं फिर से बताऊँ आपको, समझाने के लिए लिखना पड़ा, आई एम राइटिंग बिकॉज आई हैव टू मेक अंडरस्टैंड, ओके अदरवाइज आई डोंट नीड टू राइट ओके। सो बी विथ अस सो दैट यू बिकम ज्वेल इन द मैथ, यू बिकम ज्वेल इन द मैथ। सी ये ऑप्शन में 60 हो गया आपका आंसर, जो मैंने बताया वही है, 12% 24, 12% इक्वल टू 24, 100 इक्वल टू 100, बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको, ओके बाकी तो मैंने बता ही दिया। इस सीरीज के लास्ट मैथ है, इन इट ईस्ट सरोज गॉट 10% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 25 मार्क्स, हाउएवर तिलक गॉट 20% मार्क्स फेल्ड बाई 15 मार्क्स। देखिए फिर से बताऊँ कि जैसे 10% है तो 25 हो गया, जैसे ही उसको डबल हो गया तो यहाँ पर डबल नहीं घटा है राइट, तो यहाँ पर जैसे परसेंटेज बढ़ गया तो यहाँ पर कम में फेल होगा। तो हमारा सूत्र क्या है, ये 10 20% से 10% निकल गया मतलब 10% बचा, और 25 से 15 गया तो 10% बचा राइट, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया राइट, 100% इज इक्वल टू 100 हो गया, 10% इज इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, और 25 के लिए फेल हो गया तो कितना हो गया 35 हो गया। यही है बी ऑप्शन में आपका 35 आंसर, बी ऑप्शन में 35 इज योर राइट आंसर। सो आई होप कि आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड राइट, मेक यू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इजी है। तो इस सीरीज में देखिए थोड़ा आंसर दिखा देता हूँ आपको, 35 बी ऑप्शन में 35 आंसर, ये हो गया 10%, ये हो गया 10% इज इक्वल टू 10, 100% इज इक्वल टू 100, बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको राइट, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है ओके। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये आज का जो मैथ था इस टाइप वाले में ये दोनों फेल फेल हो गया, इसके बाद दोनों पास पास आएगा राइट, उसके बाद हम दोनों को मिक्स करेंगे फेल पास, दोनों को मिक्स करके बताएं, मतलब तीन टाइप का मैथ यहाँ पर रहेगा, तीनों टाइप आपको समझाएंगे पांच पांच करके, सो दैट यू डोंट फेल टू डू दैट करेक्टली ओके, आपको करेक्ट करके ही हम बताएंगे कि आप कैसे इसको करेक्ट कर सकते हो ओके। आई होप यू गॉट द पॉइंट इन दिस क्लास, मेन बेसिक पॉइंट जो है वो मैं आपको समझा पाया हूँ राइट। तो आगे अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास मैथ,
आपकी ज़िंदगी का तख्ता बदल सकता है। ओके, मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट है, मगर मैथ क्यों बता रहा हूँ कि साइंस सेक्शन में बहुत ही स्टूडेंट जो है कच्चा है, राइट, नहीं आते हैं उनको। तो आप क्या कर सकते हो, आप मैथ थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करके यहाँ पर थोड़ा अच्छा मार्क्स ले सकते हो, सो दैट योर रैंकिंग गोज़ अप। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट आई मीन टू से, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो आपको मिल चुका है। तो आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इस मुद्दे को लेकर आज क्लास यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।